स्टार्ट करते हैं। तो संडे क्लास में हमने पूरा क्वेश्चन खत्म कर लिया था इस चैप्टर का, है ना। क्या क्या देखा था अपने संडे क्लास में? नाइट्रोजन का एस्टिमेशन देखे थे, डूमास और डेल्टास मेथड, इसके न्यूमेरिकल के थी फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा हमने प्यूरिफिकेशन की टेक्निक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्रोमैटोग्राफी था, है ना। बाकी इसके अलावा जो मेथड्स हैं आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 से पढ़े हो, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, है ना, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और आपका क्रोमैटोग्राफी भी एक पढ़े हैं। और यहाँ पे दो टाइप की क्रोमैटोग्राफी थी, तो हमने लास्ट क्लास में वो दोनों टाइप की क्रोमैटोग्राफी देखी, एडसॉर्प्शन वाली भी और पार्टीशन वाली भी। और उसके बाद मैंने शॉर्ट में आपको चारों तीनों रिएक्शंस के बारे में बताया था, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में अपन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं चैप्टर में, एक्सरसाइज में। ये कितने क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में देखो एक बार, 40 ना, तो टीचर से चालू करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखो। सबसे पहले क्या है, देखो एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 एनसीईआरटी पेज नंबर 364, पेज नंबर 364, क्वेश्चन नंबर 40 रीड करें सभी। द रिएक्शन CH3CH2I+KOH गिव CH3CH2OH+KN इज डिफाइंड एज, क्या हुआ इसमें? ऑब्जर्व करो रिएक्शन में हुआ क्या है। CH3CH2I था, प्रोडक्ट बन गया है CH3CH2OH। कार्बन के रेस्पेक्ट में देखिए, कार्बन में किसका एडिशन हुआ या किसका रिमूवल हुआ? कार्बन में पहले से क्या था शुरू से? CH3CH2I आई था, और ये हटा है और इसकी जगह क्या आया है? OH, राइट। ये दोनों क्या है, आर दे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स? क्या है दोनों होते क्या है? व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? मानस इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? नाम में ही इसका मीनिंग है ना, इलेक्ट्रॉन लवर्स, इलेक्ट्रॉन लाइकिंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लाइकिंग स्पीशीज कौन होंगे? पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लाइकिंग, तो वो आपके नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ये दोनों क्या है? न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली रिएक्शन क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन तो हुआ, ये तो श्योर है ना, एडिशन तो नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, आई ने OH, OH ने आई की जगह ली, OH ने आई की जगह ली है, सब्स्टिट्यूट किया है उसको, तो ये है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ? न्यूक्लियोफाइल। पहले से आई एक न्यूक्लियोफाइल था तो हटा, और OH नेगेटिव एक नया न्यूक्लियोफाइल आया और वो उसने उसकी जगह ले ली, तो ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है पक्का? एलिमिनेशन ही हो सकता है ना, एलिमिनेशन में उसी मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल बाहर आना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला 39 देखो, 39 द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। 38 रीड करो जल्दी से। Which of the following carbon cation is most stable? आप लोगों एग्जांपल देखिए, सारे फॉर एग्जांपल्स मैंने बोला था, दो बार बोल चुका हूँ, संडे को बोला था और संडे को भी बोला था, फॉर एग्जांपल थे ना बीच में आपके, जितने भी न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे, इलेक्ट्रोफाइल पढ़े थे, कार्बो कैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, जितने भी इफेक्ट हमने पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इन सबके सॉल्ट न्यूमेरिकल्स थे ना वहीं पे, छोटे छोटे क्वेश्चन, कंसेप्शन क्वेश्चन थे सारे, मैकल का फॉर्मूला बेस नहीं है कोई भी क्वेश्चन, उसमें कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ देखे थे, बाकी मैंने होमवर्क दिया था कि देखना एक बार। ये क्वेश्चन उन्हीं के जैसा है, पर वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following carbocation is most stable? चार कार्बोकैटायन दिए हुए हैं, अपन को उसके बारे में क्या पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। क्या होते हैं?
ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे है जो तीन और कार्बन से अटैच है, उसको कहते हैं अपन 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन दिस इज एन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे है जो दो और कार्बन से अटैच है, तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 3 डिग्री, और ये हो गया आपका 1 डिग्री ना। तो अब देख लो इनमें 3 डिग्री कौन सा है, यही दिया है ना, आया ना। पहला वाला क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट वन, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? फर्स्ट वन क्या है, 1 डिग्री। देखो ना वो सिर्फ एक और कार्बन से बस अटैच है, समझ में आ रहा है 1 डिग्री प्राइमरी क्या, किसको कैसे पहचानना है? आपको ये देखना है कि वो कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है, दैट्स इट। तो पहला वाला 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, दूसरा वाला 3 डिग्री आपको बताए, व्हाट अबाउट थर्ड वन, फिर 1 डिग्री, थर्ड वन क्या है, कश्यपी, थर्ड वन क्या है, कुछ पूछो बताओ, 1 डिग्री, एंड फोर्थ वन 2 डिग्री, कार्बन के आजू बाजू दो एक एक कार्बन और है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 37 देखो, ये आपका वो रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का जो अपन ने टेस्ट पढ़ा था, दिस लॉन्गेस्ट टेस्ट, उसमें प्रूशियन ब्लू कलर का एक कंपाउंड बन रहा था जिससे अपन बता पा रहे थे कि हाँ ये आपका क्या है, नाइट्रोजन डिटेक्ट कर रहा है, तो वो कंपाउंड कौन सा है ये पूछ रहा है। देखो चारों एक बार आपको रिएक्शन, चारों मतलब कंपाउंड के फॉर्मूले, नाम तो लिख दो याद है, ये चीज दिखा रहा हूं कहां पड़ जाए, नाइट्रोजन का डिटेक्शन देख रहा है, तो समझ में आ रहा है क्या देख रहा है, नाइट्रोजन का डिटेक्शन, ठीक है। चलो सल्फर डिटेक्शन और फॉस्फोरस ऑक्सीजन देख लो, लेस लांगेस रिएजेंट को लेंगे अपन, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट दैट इज लेस लांगेस इज बॉइल्ड विद आयरन टू सल्फेट एंड देन एसिडिफाइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, the formation of prussian blue color confirms the presence of nitrogen, kiska prussian blue color ban raha hai, fe4 fecl6 ka price, yani ki option d, theek hai, isi ka prussian blue color ban raha hai, hexacyanidoferric iska naam hai, ye actually complex compound hota hai, abhi humne iska nomenclature nahi padha, humne sirf organic compound ka nomenclature padha hai aur normal compound ka nomenclature, jaise magnesium sulfate वो नॉर्मल कंपाउंड है, ये नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लग जाते हैं ना वो कंपाउंड्स हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं, जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद है, जहां पे एक एलिमेंट डोनर होगा पर शेयर दोनों करेंगे, जैसे अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन है ना, इन सब में डोनेट करने वाला एक है पर शेयर दोनों कर रहे हैं, अनलाइक कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर भी दोनों करते हैं और पेयर भी दोनों के होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट भी करते हैं और उसी को वो दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। तो जहां भी आप स्क्वायर ब्रैकेट देखोगे ना समझ जाना दीज आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट 36 वाला आपको करना होमवर्क रहेगा, अपन ऑलरेडी बॉन्ड्स ये देखे हुए ना कि कैसे अपन पहचानते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रही है वो sp3 हो जाएगा, डबल में sp2 और ट्रिपल में sp, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कार्बन नंबर 2 और 3, पहले तो समझ रहे हैं कि c2 c3 है कौन सा, आप नंबरिंग नाम से चालू करोगे, समझ रहे हो, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे होते हैं तो डबल बॉन्ड इज गिवन मोर प्रेफरेंस, जब अपन एक रूल लिखे हैं
अगर आप देखोगे तो काउंटिंग में दोनों लेफ्ट से काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड को 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा, राइट? और राइट से काउंट करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा और डबल बॉन्ड को 5 मिलेगा, मतलब पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो उस केस में अपन डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। एम आई क्लियर? है ना? तो अब सी टू सी थ्री कौन से होंगे? लेफ्ट से सेकेंड और थर्ड वाले। अब बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब एसपी टू एसपी थ्री। एसपी टू एक कार्बन डबल बॉन्डेड है ना, और बाकी बहुत सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो एसपी टू एसपी थ्री। ये समझ में आया क्या सबको? एवरीवन मानस, मनीष, विप्लव, आप लोग फॉलो कर रहे हो? अक्षत, श्री, रीमा, आयुष। अगला 35। 35 सिंपल है, अपने फॉर्मूले जितने भी है ना, सारे के फॉर्मूले का एक अलग से पेज में लिख लेना, सबके फॉर्मूले किसके किसके, कार्बन का, हाइड्रोजन का, फिर सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, हैलोजन्स। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जितने भी वाले, एक देख लेते हैं। चलो, इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय कैरियस मेथड, क्वेश्चन नंबर 35 रीड कर रहा हूं मैं, सब देख रहे हो? इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय कैरियस मेथड, 0.468 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड एफोर्डेड 0.6868 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फर। अफोर्डेड का मतलब प्रेसिपिटेट, समझ रहे हो? बेरियम सल्फर का प्रेसिपिटेट बनता था ना, लग रहा था सल्फर कहाँ गया। दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सल्फर। देखो आप सल्फर कैसे डिटेक्ट करते थे, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते थे, वो भी नोन मास का, अपने को भी यहाँ पे मास दिया है, नोन मास है, कितना दिया है उनको, नोन मास कितना है, पॉइंट 468 ग्राम। कितना ग्राम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था और कह रहा है कि इसके अंदर सल्फर है, कैसे पता चला? क्योंकि इस कंपाउंड ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इट प्रेसिपिटेटेड बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना जिसको अपन फिल्टर किए, वॉश किए, ड्राई किए, वे किए, उसका वजन कितना आ रहा है, 0.6868 ग्राम आपका आया है बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब अपन यहां करते थे ना कि 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर होता है, 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर होता है, मात्र 32 ग्राम, बाकी तो सब बेरियम और ऑक्सीजन का मास है, आया ना? तो इतने ग्राम में 32 ग्राम है, तो इतने ग्राम में बेरियम सल्फेट सल्फर कितना होगा, क्वेश्चन समझ आया? जो बोला अभी 233 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर है तो 0.668 ग्राम बेरियम सल्फेट का कितना सल्फर होगा, 32 डिवाइडेड बाय 233 इनटू 0.668, परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 0.468 इनटू, तो सॉल्व करेगा आंसर। ठीक है, 32 अपॉन 233 इनटू 0.668 अपॉन 4, इसका आंसर आएगा 19.6%, 19.6%। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, तो 34 होमवर्क दे रहा हूँ, 34 कर लेना, 33 कर लेना। जेल डांस मेथड का फॉर्मूला अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे, याद है? जेल डांस मेथड 1.4 इनटू मोलारिटी ऑफ दैट एसिड इनटू बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, याद आ रहा है? इधर आपका जेल डांस मेथड, दिस वन। कैलकुलेशन इसमें नहीं दिखेगा पर मैंने आपको जो शेयर किया पीडीएफ उसमें सब कैलकुलेशन है। ठीक है, 1.4 इनटू मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस टेकन, बस यही फॉर्मूला लगेगा जेल डांस का। ठीक है, 33 भी होमवर्क रहेगा, 33, 34 न्यूमेरिकल, 32 वैसे ही वाइटल है। ये किसका है, कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन, कार्बन और हाइड्रोजन का जाएगा। देखो कार्बन अपन कार्बन डाइऑक्साइड से कैलकुलेट करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कैलकुलेट करते थे, केओएच कितना कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करेगा, याद है? इसका सेटअप कैसा था, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन। हम इन दोनों में पहले से इसमें CaCl2 और इसमें KOH डाल के रखते थे, पूरा रिएक्शन होने के बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ये अब्सॉर्ब कर लेगा KOH
और जितना भी वाटर होगा वो CaCl2 अब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हम दोनों का मास लेंगे और डिफरेंस इन वेट विल बी द डिफरेंस विल बी द वेट ऑफ CO2 एंड H2O। मान लो पहले इसका मास इस पूरे ट्यूब के अंदर जो CaCl2 का मास मान लो पहले 40 ग्राम रहा होगा, इसका ही मान लो 40 ग्राम रहा होगा। इसने कुछ पानी एब्जॉर्ब किया, इसने कुछ CO2 एब्जॉर्ब किया, मान लो इसका मास बढ़ के 40.85 हो गया हो और इसका मास बढ़ के 40.52 हो गया हो, ये जो एक्स्ट्रा मास आया वो किसका है? वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर अपन स्टार्ट कहां से करेंगे चीजों को कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है, तो जो भी आया है उस पर कितना कार्बन होगा, फिर डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू 100 विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ कार्बन। फिर वाटर ये हाइड्रोजन के लिए यहां से शुरुआत करेंगे, 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो जितना भी ग्राम पानी आया है उतने ग्राम पानी में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू करेंगे इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो 32 क्वेश्चन वही है ना, देखो आपको दिया हुआ है वाटर का मास कितना निकला है, हो जाएगा उल्टा क्वेश्चन है एक्चुअली, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, आप 32 रीड करोगे ना एक बार रीड करके देखो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कार्बन दिया हुआ है, आपको मास ऑफ वाटर और मास ऑफ CO2 निकालना है, उल्टा फॉर्मूला सेम है बस जो चीज निकालनी है वो अलग निकाल, समझ रहे हो ना, एम आई क्लियर, फॉर्मूला सेम यूज होगा ठीक है, तो फॉर्मूला निकाल रखा है ये निकाल दे। 12 क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास। M2 क्या है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। इनटू 100 को परसेंटेज में करते हैं, डिवाइड बाय 44 क्या है? मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और M क्या है? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको क्वेश्चन है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है ना 0.2 ग्राम और दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है, तो आपको M2 निकालना है इस फॉर्मूले से, M1 निकालना है नीचे वाले फॉर्म, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? पर्टिमन वाला टेस्ट है ठीक है, सल्फर का टेस्ट है, हमने सल्फर के 2-3 टेस्ट लिखे हैं, सल्फर के 2-3 टेस्ट लिखे हैं अपन ने, देखो ये आपको दिख जा रहा है यहाँ पे लेड एसीटेट वाला टेस्ट, सल्फर दिख रहा है ये लेड वाला 32, तो 31 छोड़ के फिर 30 क्वेश्चन नंबर 30 ये परसेंटेज निकालने वाला कार्बन का। पुराना मास और KOH का अभी वाला मास का डिफरेंस करेंगे तो पता चलेगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, राइट? अब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना उससे पता करें कितना ग्राम कार्बन है और फिर उससे उसका परसेंटेज निकाल दें, ठीक है? ये है 30। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला डिराइव करना है कार्बन का, 12 बाय 44 इनटू कार्बन डाइऑक्साइड का मास अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। शुरुआत वाले नाम को शुरू शुरू में क्वेश्चन वन से फाइव सिक्स तक तो मैं पहले दे चुका आप सबको होमवर्क है ना, सिक्स वाले में और एक बार सिक्स क्या बोल रहा है ये भी हो जाएगा, पहले पांच होमोलोगस फाइव एनवर्ड्स बनाने हैं, पहला आपका फॉर्मिक एसिड है दिख रहा है HCOOH क्या होता है फॉर्मिक एसिड, इसका IUPAC नेम क्या है मिथेनोइक एसिड, क्या है पहला है मेंबर ना मिथेनोइक एसिड ठीक है, इसके बाकी के चार पांच मेंबर और बनाना बन जाएंगे CH2 ऐड करते चलो अगला मेंबर आता जाएगा, अगला वाला कीटोन है ठीक है और उसके बाद वाला इथीन है, अब देख रहे ना क्वेश्चन नंबर 6 ओके क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है इन सब का,
एक बार ट्राई करते, चलो फर्स्ट वाला देखो पहला क्या बोल रहा है, और आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अगर है तो कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 to 4 ट्राइमिथिल पेंटेन, 2 to 4 ट्राइमिथिल पेंटेन, इसका बॉन्डाइन फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला बनाना है, जल्दी बनाओ। क्या बोला है? 2 to 4 ट्राइमिथिल पेंटेन। ओके, कंडेंस फॉर्मूला में अपन सब बॉन्ड शो नहीं करते, समझ रहे हो? वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाए। अगर आप एक एक बॉन्ड शो कर रहे हो ना, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में हम हाइड्रोजन की बॉन्ड शो नहीं करते, ठीक है? और बॉन्ड लाइन में तो अपन किसी को लिखते ही नहीं है, नाम किसी का, सिंबल किसी का नहीं लिखते, सिर्फ लाइंस बनाते, दैट इज कंडेंस फॉर्मूला, सॉरी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है? पहले तो आप ऐसे जो नॉर्मल अपन बनाते हैं उसको बनाते देखो, पहले 2 to 4 प्राइम टू पेंटेन, तो 5 कार्बन बना लिए ऐसे, पेंटेन है ना, तो 5 कार्बन आए ना, अब उसमें 2, 2 और 4, ये तो सिंपल कंपाउंड के लिए, बहुत एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ बस, या 2 यहाँ एक यहाँ, एक ही मतलब, ठीक है? तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ठीक है? ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ना, ये बेसिकली एक तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा, आपको समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? This is a kind of structural formula. इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है कि आप C लिखो और CH3 को यहां पे ट्राइस करके लिखो, ठीक है? बिना बॉन्ड शो किए CH2 लिखो, फिर CH के ब्रैकेट में एक CH3 लिखो और फिर लास्ट में CH3 लिखो, ये होता है इसका कंडेंस फॉर्मूला। कंपाउंड वही है, शो करने के तरीके अलग है। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे शो करोगे? 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो पहले 5 ऐसा बना लो, 1, 2, 3, 4, 5 बन गया 5, zigzag स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो फिर पार्टीशन कैसे दिखाओगे, समझ लो ना? एंड पॉइंट दिखाना पड़ेगा कि यहाँ यहाँ कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, हो गया आपका? इसमें 2 डंडी मार देना, सेकेंड वाले में 2 डंडी मार दिया, मतलब मिथिल मिथिल आ गया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बॉन्डलाइन डायग्राम में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्लियर? और फोर्थ में एक डंडी हो, बस, ठीक है? अगला देखो, अगला ट्राई करो जल्दी से, अगला थोड़ा सा है, मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप्स भी है। 2-hydroxy 1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 पे हाइड्रोक्सी है, ये होगा देखो, ये वो रूल है ना जहां पे अपन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को काउंट नहीं करते, नहीं वन टू थ्री, 2 पे हाइड्रोक्सी, 1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, 1,2,3 को पीछे भी लिख सकते हैं ना, या पहले भी लिख सकते हैं, अपन बात किया ब्यूटेन 1 ऑल भी सही है या 1 ब्यूटेन ऑल भी सही है, 1 कैन कम बिफोर आल्सो एंड इन बिटवीन आल्सो, ठीक है? ओके, इसका कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड मत शो करना, ठीक है? बी पे OH है और सी पे एक और ग्रुप है ना COOH, तो ऐसे शो करता हूँ, नहीं बॉन्ड नहीं शो नहीं होगी, ठीक है? इस कार्बन का फिर इसका CH2 और लास्ट में दिस इज कंडेंस बॉन्ड। अब आते हैं इसके बॉन्ड लाइन में, ठीक है?
ये तीन तो ऐसे बन जाएंगे, एक दो तीन प्रोपेन वाले बनेंगे। अब देखो ये चौथा जो है यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, वो भी है तो कार्बन ही ना, ये है तो कार्बन ही ना, बट ये है कि कार्बन के साथ उसमें क्या क्या अटैच है, हाँ डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच, ऐसे शो करेंगे सी डब्ल्यू एच को, ऐसा ही सी डब्ल्यू एच यहां भी शो करना, और ऐसा ही सी डब्ल्यू एच हम यहां भी शो करेंगे। ये वन, ये टू, ये थ्री, फिर यहां से डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड, और टू पे एक, देखो एक बार, वन टू थ्री के तीन कार्बन है, एक सेकेंड, ये वाला यहां फिट करना, ठीक है, ये यहां फिट करना, अभी ठीक है, देखो एक बार अच्छे से, ये फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे सी ओ ओ एच, सेकेंड कार्बन पे सी ओ ओ एच, थर्ड कार्बन पे सी ओ ओ एच और सेकेंड कार्बन पे, ठीक है, कार्बन से लिखेंगे तो बाकी कोई और फंक्शन हुआ तो लिखेंगे, राइट। इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, एक एल्कोहलिक एंड कार्बोक्सिलिक, चलो थर्ड थर्ड बनाओ, हेक्सेन डाइअल, हेक्सेन डाइअल पोजीशन नहीं किए तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दोनों एक्सट्रीम एंड्स में होंगे ना यार, और कैसे हो सकते हैं, ठीक है, बीच में भी नहीं हो सकता था, पोजीशन देना चाहिए था, हेक्सेन डाइअल, सी एच ओ फिर सी एच टू का फोर सी एच ओ हो गया, ये हेक्सेन डाइअल नहीं। अब इसका बॉर्डरलाइन डायग्राम, ये एक सी, दूसरा सी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, एक दो तीन चार पांच छह, इसमें छठवा वाला जो सी है ना उसमें डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच है, डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई करने बोला ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट देखो, एट आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, पहले वाले में क्या क्या दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, एल्कोहल और इधर इधर है, वो क्या है, वो इथर, आर ओ आर होता है ना, एनी भी मिथिल है, एक कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन है और उधर एक एरोमेटिक ग्रुप, समझ गए, थर्ड सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला NH2 को अपन अमाइन बोलते हैं, ठीक है, NH2 क्या होता है, अमाइन्स, अमोनिया से आया ना, NH3 अमोनिया होता है, NH3 क्या होता है, अमोनिया, एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह लगा दो अल्किल ग्रुप, तो ये क्या रहता है, वन डिग्री अमाइन, समझ रहे हो क्या, वो बोलते हैं अपन वन डिग्री अमाइन्स, अगर एक और हाइड्रोजन हटा के दो आर लगा दो
तो इसको कहते हैं अपन 2 डिग्री माइनस। इधर देखो एक और हाइड्रोजन हटा के अगर मैं 2 R लगा दू, 2 कार्बन लगा दू, तो ये होता है 2 डिग्री माइनस। और अगर ये जो बचा कुछ हाइड्रोजन उसको भी हटा दू और तीनों अल्किल ग्रुप लगा दू यहाँ पे, तो ये कहलाता है 3 डिग्री माइनस। समझ रहे हो? तो वो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है तो 1 डिग्री माइनस है, और उसी के नीचे COOR एस्टर, ये क्या है? नीचे वाला क्या है? एस्टर। और उसके एंड में देखो एंड में 3 ग्रुप लगे हुए हैं, लेफ्ट में CH2 और 2 C2H5, 3 डिग्री माइनस। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? एन है ना? अरे एन दिखा कि नहीं? और एन के तीनों तरफ आर 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 है, क्लियर? 3 डिग्री माइनस, ठीक है। ऊपर वाला 1 डिग्री माइनस है, नीचे वाला 3 डिग्री माइनस है, और एस्टर भी है। एस्टर की पहचान आर सी ओ ओ आर, दिस इज एस्टर, लिखे अपन कॉपी में। और लास्ट में देखो क्या क्या दिख रहा है, NO2 बोले तो नाइट्रो, NO2 क्या है? नाइट्रो, और इसका भी बॉन्ड है, ठीक है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द टू इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड व्हाई। देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक में NO2 लगा हुआ है एक साइड, दूसरे साइड में O नेगेटिव आयन है ना, ठीक है, और दूसरे साइड में सिर्फ O नेगेटिव आयन है, इस साइड कुछ नहीं है, ठीक है सबको। एक मिनट देखो, एक बार क्वेश्चन नंबर 9, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बस देखो जल्दी से। एक तरफ क्या हो रहा है देखो, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और किससे खींच रहा है? इधर कार्बन से, फिर एक और कार्बन है, और बीच लास्ट में O नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींच के उसको कम कर देगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। और भाई दूसरी तरफ देखो क्या हो रहा है, CH3CH2 O नेगेटिव, CH3CH2 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये O के ऊपर चार्ज और बढ़ा देगा, नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूँ, इसको बता दूंगा। इधर लगा है NO2, इधर लगा है कार्बन कार्बन, और इधर लगा है O नेगेटिव पहला, और दूसरे में इधर दोनों कार्बन है और O नेगेटिव, ये होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। देखो नेगेटिव चार्ज इसके तो अनस्टेबल है, पर NO2 ग्रुप उसके नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है भाई। दूसरी तरफ यहाँ क्या हो रहा है, ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन वाले जो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वही हाइपर कॉन्जुगेशन से, यहाँ का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसका जो H निकलेगा वो ये बॉन्ड को तोड़ देगा, छोड़ देगा इस बॉन्ड को, और ये बॉन्ड यहाँ चले जाके इसका इसमें क्या करेगी, डबल बॉन्ड बना देगी, इससे इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी नेगेटिव चार्ज की, तो ये आपका लेस स्टेबल होगा, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, इट इज रिलेटेड टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जल्दी एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन व्हाई अल्किल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स विद अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम हाइपर कंजुगेशन। समझ रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन यानी वाला जो मैंने डायग्राम आप सबको बताया था कि ये एक कार्बन है ना, इसके पास एक हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो, राइट। बट इसके बगल वाला जो कार्बन है ना वो डबल बॉन्डेड, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा तो उसको पकड़ लेगा, तो अब ये बॉन्ड को वो छोड़ सकता है, याद आ रहा है ये चीज, है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इन बॉन्ड्स को पकड़ के रख लेगा साइड से क्योंकि पास में ही है ना, तो ये इसके इन्फ्लुएंस में रह के अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ देगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट करता है चेन पे, वो यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये यहाँ चला जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस आर काइंड ऑफ रेजोनेंस रूम, बस फर्क इतना है कि रेजोनेंस में हम पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करते थे और हाइपर कॉन्जुगेशन में हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करते, बस यही था। बाकी दोनों का जो अपन कंक्लूजन निकालते यही है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल विल बी द कंपाउंड। याद है 9 कार्बन के 12 कार्बन वाले भी कंपाउंड्स हम देखे हैं इसमें, जिसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन के, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं ना, दिस कार्बन इज डबल बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा और हाइड्रोजन आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार इस हाइड्रोजन का बॉन्ड हटाओगे एक बार इसका एक बार इसका, तो बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन अपन बोल रहे हैं कि कार्बन या मिथिल ग्रुप या इथिल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जस्ट इसके पहले जो अपन ने देखा ना मैंने बताया ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्यों करता, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है रीजन, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। 11 देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, शो द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन। चलो एक का बना के दिखा रहा हूं आपको, है ना, ये अपन और ना ये वाला चैप्टर जब अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, तो मैं इस टाइप का रेजोनेंस फिर से बताऊंगा ना, एक बार इसको समझते हैं। पहला वाला फिनॉल है ना, पहला क्या है फिनॉल, देखिए सब ध्यान से देखना बहुत इंटरेस्टिंग है मजा आएगा। ये फिनॉल इधर OH इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, OH क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये क्या करेगा फिर प्लस ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा यहाँ पे इधर दिख रहा है ना, तो इससे क्या होगा ये कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ऑलरेडी वो यहाँ 2 बना रहा है खुद हाइड्रोजन तो खैर नहीं है पर OH के साथ एक बॉन्ड बना रहा था पहले, अब वो डबल हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जा रही है, तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड जो है ना यहाँ शिफ्ट होके इलेक्ट्रॉन पेयर में, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा ध्यान देना, अब यहाँ आ गई डबल बॉन्ड है ना, OH आ गया, अब एक ही पेयर बचा इसलिए पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा, एक पेयर वहां से चला गया ना तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया और वो इलेक्ट्रॉन पेयर अब कहाँ घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, समझे, बाकी दो को कुछ मत करना अभी, ठीक है, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा देखना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बन जाएगा यहां पे, उससे अब ये कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा तो क्या होगा, अब ये बॉन्ड उचक के यहां जाएगा, जैसे ये आई थी वैसे ये आ जाएगी, तो अगला स्ट्रक्चर है। अब ऊपर कुछ मत करना, ऊपर वैसे ही फॉलो करते रहना, ठीक है, इस वाले में कुछ नहीं करना है ना,
ये वाला बॉन्ड भी एकदम डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन चुका है और ये पेयर से बॉन्ड बन चुका है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, अच्छे से समझना। अगला क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर। अगला स्ट्रक्चर ये ऐसे ही रहेगा, यहां गया सर और ये चला गया इलेक्ट्रॉन, बाकी ये तो सेम है। अब अगला, ये बॉन्ड बनेगा और ये जहां से आया था वापस वहां चला। तो लास्ट स्ट्रक्चर के ना, अब यहां सिंगल बॉन्ड हो गई ना, जहां से आया था वापस चलेगा इलेक्ट्रॉन पे, वहीं पे यहां डबल, ये डबल, ये डबल। स्टार्ट कहां से किए थे देख रहे हो? इस जगह पे डबल बॉन्ड थी, इस जगह पे और इस जगह पे, ये शिफ्ट होके इधर आ गई, ये शिफ्ट होके इधर आ गई और ये शिफ्ट होके इधर, ठीक है। ये आपके पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए हैं। अब ध्यान से देखो इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, 1, 2, 3, आपको नेगेटिव चार्जेस कहां कहां दिख रहे हैं? इस पोजिशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। वेरी गुड, ये क्या था? ऑर्थो। ये भी ऑर्थो होता है, ये भी ऑर्थो होता है ना, OH के रेस्पेक्ट में, OH के रेस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन क्या है? ऑर्थो। ये दोनों पोजीशन मेटा और ये पैरा। नेबर्स ऑर्थो, एक छोड़ के वाले मेटा और अपोजिट वाला पैरा। तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो। नेगेटिव चार्जेस कहां कहां पे है? नेगेटिव चार्जेस आपके ऑर्थो पैरा में। तो अगर एक इलेक्ट्रोफाइल आया अटैक करने के लिए तो वो इन्हीं जगह पे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन नंबर्स, नेगेटिवली चार्ज के पास जाएगा वो, तो खुद पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, पर कहां जाके अटैक करेगा? एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एरिया में, और वो कौन कौन से है? ऑर्थो एंड पैरा। तो अगर OH है पहले से, OH है अगर पहले से, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजिशन पे अटैच होगा या तो पैरा पोजिशन पे अटैच होगा। इसलिए OH को अपन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। ये मैं हाइड्रोकार्बन पदार्थ में फिर से पूछूंगा, तब याद रखना एक चीज। हाइड्रोकार्बन जो पढ़ेंगे ना अपन अगला चैप्टर, तो आप बेंजीन को डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये चीज फिर से आएगी कि बेंजीन रिएक्शन कैसा देगा। तो अगर फिनॉल होगा तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे फेंकेगा। समझ रहे हैं? ये क्लियर है सबको? तो यहां पे अपन ने OH लगाया, OH वॉज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। OH क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब एक लगाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जस्ट अगला एग्जाम्पल, C6H5NO2 दिख रहा है सबको? NO2। अब ध्यान देना अपनी चीज का, है ना? अब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उचक के यहां आएगा ना, ये खींचा ना इससे इलेक्ट्रॉन, ये वापस चला जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां, आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो यहां बन गई डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अब इसके पास, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां, होगा ऐसा। अब ये पेयर यहां जाने की कोशिश करेगा, तो ठीक करना है ना उसको, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसको ठीक करने के चक्कर में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर ये बॉन्ड उचक के यहाँ चले गई तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना यहाँ पे। अगला पेयर आपको कैसा बनने वाला, अगला स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला देखना। यहाँ तो आ गई डबल बॉन्ड बट पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आ जाएगा, आएगा। अब इससे ना इसका दुख देखा नहीं करना, तो ये उचक के यहाँ रहेगा बिना देखने कि मेरे पास भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता। अब अगला पेयर स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ आ चुकी है बॉन्ड, यहाँ आ गई और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, समझ गए। और लास्ट क्या होगा? वापस आ जाएगा वो,
ठीक है, तो आपका फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बन गया? देखिए NO2 में सारी बॉन्ड किसक गई ना आगे, ही स्टार्टेड विद दिस बॉन्ड एट दिस पोजीशन, अब वो बॉन्ड यहां आ चुकी है, ये वाली बॉन्ड किसक के यहां आ चुकी है और यहां वाली बॉन्ड किसक के यहां है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, इसी को तो बोलते हैं। अभी तो बेंजीन के बीच में सर्कल बना के क्या होगा, कुछ बन रहा है में, गलत दिया है कि आप ठीक है। अब देखो अब पॉजिटिव चार्जेस कहां कहां पे दिख रहे हैं, उन्हीं ऑर्थो और पैरा पोजीशन में देख रहे हो, जहां अभी OH के कारण जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, तो आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस दिखे, अब उन्हीं जगह पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण आपको पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं। तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो अब वो ऑर्थो पैरा में तो नहीं जाएगा, जाने की कोशिश भी करेगा तो पैरा उसको रिपेल कर देगा, ऑर्थो उसको रिपेल कर देगा, क्यों, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव चार्ज है और उन जगहों पे अभी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या बचा उसके पास पोजीशन, मेटा, नहीं 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 मेटा बेंजीन रिंग का रिएक्शन देखते हैं ना अपन, तो द इनकमिंग ग्रुप शुड गो एंड अटैच विद बेंजीन रिंग, तो पोजीशन कौन सी अटैच होगी ना वो बता, तो ये कहां जाएगा अब बेटा, प्लीज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑर्थो और पैरा जाना चाह रहा था पर वहां पॉजिटिव चार्ज देते हैं जो उसको रिपेल कर रहे हैं, तो ये कहां जाएगा मेटा, तो नाइट्रो ग्रुप विच आर विच इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्या है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दो चीजें होगी, अगर आपके बेंजीन रिंग में पहले से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, और अगर आपके बेंजीन रिंग में पहले से एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन में डायरेक्ट करेगा, ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कौन डायरेक्शन दे रहा है, जो पहले से वहां प्रेजेंट है, जो पहले से वहां पे प्रेजेंट है वो डायरेक्शन दे रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल को यहां जाना चाहिए या यहां जाना चाहिए, ऑर्थो में कि मेटा में पैरा में, उसके कारण ही तो वहां पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं ना ऑर्थो या पैरा में, क्लियर है। और ये दोनों नए केस में बता दिया, बाकी के तो बन जाएंगे डबल बॉन्ड को बस उछाना है, ठीक है। CHO जो है ना आपका फोर्थ वाला CHO भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जस्ट लाइक नाइट्रो, जैसा नाइट्रो है ना अभी, तो इसके भी ऐसे छह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे एल्डिहाइड वाले के लिए, डी की बात कर रहा हूं, अब देख रहे हो डी में CHO लगाए ना, ओके। उसके बाद देखो अगला जो CH2 पॉजिटिव लगा है वो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, सेम डायग्राम बनेंगे सबके, बस NO2 को हटा के CHO लगाना है, NO2 को हटा के CH2 प्लस लगाना है, मैं तो बोल रहा हूं फॉलो कर रहे हो आपको, और बाकी देखो ना ये जो सेकंड वाला थर्ड वाला क्वेश्चन है ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, देखो कॉन्जुगेट सिस्टम का डेफिनेशन मैंने लिखवाया है कि जहां पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होती है, जहां पे देखो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल डबल होगा, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा तो ये वाला यहां आएगा, ये तो रख रहे हैं ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का या पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, स्ट्रक्चर बनाने बोला तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकल सब में तो कोई दिखा रहे थे फिर देखते, ठीक है। उसके बाद और क्या है, CH2 प्लस वाला हो गया, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, देखो CH2 प्लस है ना तो ये डबल बॉन्ड हो जाते वहां जाएगा CH2 प्लस के पास, ऐसा कुछ भी, तो क्या है स्ट्रक्चर CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस, ये इधर जाएगा, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये इधर जाएगा ना तो प्लस साइन इधर आ जाएगा,
अगला क्वेश्चन 12 हो जाएगा, वाटर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स एक बार लिखे दिए एग्जांपल के साथ। आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स शोड इन बोल्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। मेरे को दिख नहीं रहा बोल्ड कौन सा है, पहले वाले में क्या बोल्ड दिया हुआ है, OH नेगेटिव। क्या है OH नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। अरे मैं कितना अच्छा आप लोगों को ट्रिक बता रहा था कि N for negative, N for nucleophile। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? OH negative nucleophile है। अगले वाले में क्या बोल रहे हैं? Again nucleophile। क्या है वो? nucleophile। उसके बाद कौन सा है? हाँ रन दूंगा। क्या है इसका अगला बोल्ड? CO पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है चलिए देखो अगला क्वेश्चन। आपको बताना है इसमें से कौन सा रिएक्शन का टाइप ना Br और HS देखो रिप्लेस हुए ना, मैं फर्स्ट रिएक्शन में दिख रहा है आप लोग क्या हो रहा है। Br निकला, HS अटैच हो गया, कौन सा रिएक्शन है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है? तो Br क्या है, नाम नहीं पूछ रहा हूँ, क्या है पूछ रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा ये रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे अभी कहा शुरुआत में जो देखे थे वही तो है, पहले वाले जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे, नहीं याद है क्या? इसमें क्या हो रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में? KI और OH वाला था ना क्वेश्चन एक, अरे आपने सबसे पहला क्वेश्चन था वो, ये आपके बुक का 48th क्वेश्चन, उसमें देखो ना उसमें भी तो यही हो रहा था, CH3CH2 में से I निकला और OH घुस गया, तो I नेगेटिव है OH भी नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल्स का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, यहाँ भी तो वही हुआ, Br नेगेटिव निकला और HS नेगेटिव अटैच हो गया, तो कौन सा रिएक्शन होगा ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगला देखो, देखो क्या हो रहा है इसमें, जो पहला कंपाउंड है वो है क्या एक्चुअली में, तुम्हें बताएगा मुझे, वाटर व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दैट कंपाउंड, उसको आप कौन सी फैमिली में बोलोगे? इतना टाइम लग रहा है बताने में, डबल बॉन्ड नहीं दिख रही है क्या, क्या है वो? ओहो डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं भाई है? अरे डबल बॉन्ड वाली फैमिली का नाम क्या है? एल्कीन। ठीक है और HCl है ना प्लस फोर के साथ, अब राइट में आपको क्या दिख रहा है, क्या हुआ है? डबल बॉन्ड हट गई और उसके साथ क्या हुआ है? एक जगह CL चला गया, एक जगह H अटैच हो गया। अरे दिखना है आप लोग को, लेफ्ट वाले कार्बन पे CL अटैच हो गया और राइट वाले कार्बन पे H अटैच हो गया, तो ये ऐड हुआ ना, कोई चीज बाहर तो नहीं निकली है, क्या हुआ है? एडिशन रिएक्शन। क्या हुआ है? एडिशन रिएक्शन। ठीक है अगला देखो, अगला CH3CH2 Br का क्या हुआ है? देखो राइट साइड में क्या बन गया वो? नहीं CH3CH2 का क्या हुआ? उसमें से एक H और एक Br हटा ना, एलिमिनेशन। क्या है ये? एलिमिनेशन। एंड लास्ट जल्दी बताओ, OH हटा है, Br आया है, OH हटा है, Br आया है, सब्स्टिट्यूशन कौन सा सब्स्टिट्यूशन? अरे रिएजेंट का भी तो नाम बताओ, न्यूक्लियोफिलिक तो है भाई, मैं बोली है तो उसको क्या बोलो, मेरे को बोलो ना, मैं बोली ना। ठीक है अगला क्वेश्चन आइसोमर्स के ऊपर है, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी। आइसोमर्स
कितने ऐसे आइसोमर्स पढ़े अपन, एक स्ट्रक्चरल था और दूसरा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल नहीं स्टीरियो, एक स्ट्रक्चरल था और दूसरा स्टीरियो। स्टीरियो में दो टाइप के थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो मैंने बोला था कि ऑप्टिकल हम बाद में पढ़ेंगे ट्वेल्थ में, ज्योमेट्रिकल सिक्स क्लास पढ़े थे और स्ट्रक्चर में पांच टाइप के पढ़े थे, पोजिशनल, फंक्शनल ग्रुप, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन वाले, छह टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़े हैं उसके। तो पहला पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर, आर दे स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। पहला देखो क्या दिख रहा है, पहले ना आपको डबल बॉन्ड ओ की पोजीशन चेंज हो रही है ना, है ना, क्या है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन, क्या है, कीटोन। और आपको क्या दिख रहा है, पोजीशन आइसोमर है, स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में आएगा पर कौन सा टाइप का है, पोजिशनल आइसोमर, इसको एक और टाइप का आइसोमर बोल सकते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कैसा था, कैसा था, नंबर ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड आर डिफरेंट। जैसे अपन ईथर के बनाते ना, देखो यहां ध्यान देना, दो कार्बन इधर, तीन कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, ये है ईथर का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज मेटामेरिज्म, उस एटम के आजू बाजू नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ये चीज उसमें भी होती है। देखो क्या बनाया है वहां पे, डबल बॉन्ड ओ ऐसा है और यहाँ तीन कार्बन है पल्का है। अब आपने डबल बॉन्ड ओ को यहाँ कर दिया, दोनों साइड बराबर कार्बन, पांच कार्बन यहाँ भी, पांच कार्बन यहाँ भी, एक ऑक्सीजन यहाँ भी, एक ऑक्सीजन यहाँ भी, पोजीशन भी चेंज हुई है और नंबर ऑफ कार्बन और इधर साइड भी चेंज हुआ है, तो इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो ये पोजिशन आइसोमर का भी एग्जाम्पल हो सकता है और ये मेटामेरिज्म भी हो सकता है, ठीक है। ये किस कैटेगरी में, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है, ये जल्दी बताओ कौन सा है, जोर से बोलो ना क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है ये, ज्योमेट्रिक ग्रुप को भी कैसा है, सिस और ट्रांस वाला, जहां पे डी डी अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रांस हो गया और जहां पे दोनों डी एक ही साइड में वो आपका सिस हो गया। अगला देखो, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, देखो कैसे, यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर चला गया ना ओ के पास, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहला स्ट्रक्चर देख रहे हो, पहले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। अब वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बन रही थी, वो डबल बॉन्ड उचक के ऑक्सीजन के पास चली गई, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन का वो एग्जांपल जैसे है जो मैंने आपको तो देखने को लेकर होमोलिटिक क्लीवेज, हेटरोलिटिक क्लीवेज कहाँ हो रहा है आपको समझ में आना चाहिए। अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और अगर एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है तो हेटरोलिटिक क्लीवेज होगा, एक कैटायन बनेगा दूसरा एनायन बनेगा, और जहां होमोलिटिक क्लीवेज होगा वहां फ्री रेडिकल्स बनेंगे। आपको ही पहचानना है यहाँ पे क्या, इसमें क्या क्या हो रहा है। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल ही देखो, CH3O बॉन्ड OCH3, ठीक है, दोनों तो सेम ग्रुप है, तो जब O और O की बॉन्ड टूटेगी तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके शांति से चले जाएंगे, तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। इस टाइप का फ्री रेडिकल OCH3 का फ्री रेडिकल, वो भी दो बनेंगे, वो बनेंगे ना आयुष, वही ये एग्जांपल देखो बीआर वाला, देख रहे आप लोगों, बीच में एक कार्बन है ना, तीनों तरफ मिथिल 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 लगा है और एक तरफ बीआर लगा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब उसमें से जब सी और बीआर का बॉन्ड टूटेगा तो बीआर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बीआर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके बाहर निकल के बीआर नेगेटिव बनेगा और कार्बन को बना देगा कैटायन,
ऐसा थ्री वैल्यू का देखना वहां पे ऐसा कुछ है देखना ये है यहां कुछ नहीं लगा मतलब सी एच थ्री जब बॉन्ड ब्रेक होगी इन दोनों की तो बी आर बींग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर लेके फरार हो जाएगा गिविंग कार्बन अ पॉजिटिव चार्ज थ्री डिग्री कार्बो कहता है हम क्या ये थ्री डिग्री कार्बो कहता है फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने एसिडिक एसिड पढ़ा था याद है एसिडिक एसिड क्या होता है सी एच थ्री थ्री डबल ओ एच ये होता है एसिडिक एसिड अब आपने ये जो कार्बन है ना इसके साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए राइट अब पहले स्ट्रक्चर में वो तीनों हाइड्रोजन की जगह तीन क्लोरीन आते ठीक है फर्स्ट स्ट्रक्चर सी एल थ्री सी सी डबल ओ एच ऐसा कुछ है ठीक है ना फर्स्ट हाँ आप इसको थोड़ा एक्सपैंड करके बनाते हैं ये सी एल ये सी एल ये सी एल राइट यहाँ पे ये C है डबल बॉन्ड O है सिंगल बॉन्ड O H ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर ठीक है दूसरा क्या बोला है फर्स्ट नंबर दूसरा दो सी एल है एक एच बचा है ना दो सी एल है एक एच बचा है तो अब ये क्या होगा स्ट्रक्चर इसका सी एल टू सी एच सी डबल ओ एच ध्यान देना है ना सी एल सी एच सी एल फिर सी डबल ओ एच हो गए और थर्ड क्या बोला है एक सी एल है टू एच है मतलब कि सी एल सी एच टू सी डबल ओ एच एक सी एल फिर सी एच टू सी ओ एच ठीक है अब आपको बताना है इसमें विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहां क्या बोल रहा है कि ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है कंपेयरिंग टू दिस एंड दिस जो पहले एच पॉजिटिव लिबरेट कर देगा ना पानी में वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा ये होती है एसिड एक अच्छी एसिड की पहचान कि वो कितना जल्दी अपना एच पॉजिटिव लूज कर रहा है ना क्लियर एक एसिड कितना जल्दी एच पॉजिटिव लूज कर रहा है वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा ठीक है समझ में आ रहा है सबको अब देखो यहां क्या हो रहा है सीएल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना चेन से स्ट्रेट चेन से एलिफैटिक चेन से तो ये विड्रॉ किया ये भी विड्रॉ किया ये भी विड्रॉ किया ये खुद ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो एच को बहुत आसानी हो जाएगी निकलने में सब इलेक्ट्रॉन एच की तरफ से खींच रहे राइट अल्टीमेटली एच विल बी लिबरेटेड आउट फास्टर इन दिस उसके बाद इसमें क्योंकि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम लगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है यहाँ पे दो है यहाँ तीन है और यहाँ पे सिर्फ एक तो एसिडिक नेचर तो उसने समझा दिया कि ये ऑर्डर है तो आपको बताना कि कौन से इफेक्ट से हम ये बोल पा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोल पा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि कार्बन का किस टाइप का इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट क्या है ये माइनस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज मेकिंग दिस मोर एसिडिक देन दिस एंड दिस जिसमें ज्यादा क्लोरीन वो ज्यादा एसिडिक जिसमें कम क्लोरीन वो कम एसिड यहां इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना ये क्लोरीन खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को अपन ने क्या पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट में एक कार्बन की चेन है उसमें लास्ट में सीएल लगा दिए ये इससे खींचेगा इससे इसको मिलेगा पार्शियल नेगेटिव इनको मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव डबल पार्शियल पॉजिटिव ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव याद आ रहा है अब यहीं पर अगर मैं दो क्लोरीन लगा दूं तो ये भी खींचेगा तो ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा इसको भी ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा समझ रहे हैं अल्टीमेटली इस वाले से एच पॉजिटिव आसानी से बाहर आ सकता है सब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है
अगर सबने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो एच अकेला पड़ जाएगा, एच पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो, अगेन एसिड ही है पर सी एच, पहले में लगा सी एच थ्री सी एच टू, दूसरे में लगा सी एच थ्री ट्वाइस और तीसरे में लगा है सी एच थ्री ट्वाइस, समझ रहे हो है ना। जिसमें कम कार्बन है वो ज्यादा एसिडिक है, जिसमें कम कार्बन है वो ज्यादा एसिडिक है, आया ना। देखो लास्ट वाले में तीन सी एच थ्री ग्रुप लगे थे वो कम एसिडिक, और तो समझ में आ रहा, सबने एरो तो बना हुआ ना, कौन सा ज्यादा एसिडिक है समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा कार्बन का, मिथिल ग्रुप क्या होता है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। देखो मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आपको, सी एच थ्री सी एच टू पहला यही है ना, फिर सी ओ ओ एच ऐसा है फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये ज्यादा एसिडिक है बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री फिर सी ओ ओ एच और लास्ट क्या दिया है, C के ऊपर तीनों सी एच थ्री है ना, अरे हाय ना, फिर यहाँ पे C O O H है ऐसा। देखो पिछले वाले में क्या था ध्यान देना, पिछले वाले में क्लोरीन लगा था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना, और उससे H की तरफ ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी तो H आसानी से बाहर निकल पाया, राइट। अब क्या हो रहा है ध्यान दो, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इससे क्या होगा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। तो इसलिए यहां पे कार्बन का या मिथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा एसिडिक है फिर ये और सबसे कम एसिडिक ये है। मोर द नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट, जिसके कारण ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, ये आगे पास ऑन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इस ऑक्सीजन पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो क्या एच निकल पाएगा आसानी से, एच पॉजिटिव कैसे निकलेगा, उसको तो बहुत ज्यादा खाना भी गया बैठ के नहीं खाएगा था, ये नहीं कर पाएगा। और पिछले वाले में क्या हो रहा था, एच पॉजिटिव क्यों निकल पाया जल्दी से यहाँ पे, क्योंकि तीनों क्लोरीन मिलके उसका खाना ले लिए पूरा, ये भूखा हो गया तो एच पॉजिटिव बाहर आ गया। अब यहाँ पे तीनों मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा खाना है तो वो एच बैठ के खाना खाएगा तो नहीं जा पाए और नहीं निकल पाया, मतलब कम एसिडिक, यहाँ कम ग्रुप में देने वाले इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ वो जल्दी निकल सकता है इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस, क्लियर है, ठीक है। बाकी फिर आप लोग देखना क्वेश्चन, बाकी तो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर प्यूरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन डिटेक्शन, सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। उसके बाद 30 से लेके 40 तक अपन डिस्कस कर लिए, पहले 20 डिस्कस कर लिए, अब वो 20 से जो 30 बच गया ना वो सारे थ्योरी क्वेश्चन है बेस्ड ऑन प्यूरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन डिटेक्शन, ठीक है। विद दिस ये चैप्टर मेरे एंड से खत्म होता है, हम नेक्स्ट क्लास में रेडॉक्स चालू करेंगे थर्सडे से, थर्सडे सैटरडे संडे 3 दिन में रेडॉक्स खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।